नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दाँत खाज खुजली का उपाय बताएंगे। दो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे इसमें। पहले इसका सेफ्टी जान लेते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत चीज़ है बराव, लेकिन ज़्यादा करके मछली खाकर फिर दूध नहीं खाना चाहिए। फिर अगर मछली खा लेते हैं तो फिर दूध वाला चाय पी लेते हैं, ये भी नुकसान करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा करके चर्म रोग ऐसा ही होते हैं। पहले लहसुन रगड़ लेते थे तो ठीक हो जाता था, लेकिन इस समय पानी ख़राब है या नहीं तो खाने में अंतर है, इस पे ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको करना क्या है, ये नीम का जो छाल है ऊपर वाला सूखा वाला भाग निकाल कर, जो कड़ा अंदर है उसके ऊपर वाला जो सेंटर में उसका है गूदा, उसको निकालना है। जैसे ऊपर का हमने निकाल दिया, अब इसके नीचे का अंदर वाला ये वाला निकालेंगे। ये वाला भाग, ये वाला गुद्दा हमको चाहिए। ये नीम का छाल है, अब इसका हम बनाएंगे उपाय। ये आग का पत्ता है, मदार, इससे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है आँख का पत्ता, दूध निकलता है इसमें से। बजरंग बली का फूल भी चढ़ाया जाता है इस आँख के पौधे का, इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने ये सरसों का तेल है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत एरिया में इसको राई बोलते हैं, राई का तेल है। इसमें नीम का छाल डालना है, जल जाए, गर्म हो जाए तो इसको डाल देंगे, काला हो जाएगा, इसका रस इसमें मिल जाएगा। फिर इसको निकाल कर रख देना है, तेल यूज करना है। अब कैसे होता है वो बताएंगे हम। और ये जो बर्तन लेंगे वो लोहे का होना चाहिए, लोहे का कढ़ाई या लोहे का कोई भी चीज़। ये हमने तावा लिया है, कढ़ाई नहीं है। ऐसे रख देते हैं, अभी ये काला हो जाएगा तो निकालेंगे। ये हमने ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है बस, इसको अभी चलाएंगे इसे। ये जो आँख का दूध है इसमें दूध डालेंगे चार बूंद जितना, चार बूंद इसको डालेंगे। जितना सहने लायक है ये लगता है दूध। और दोस्तों, इसको आँख से बचाना है, आँख में ना पड़े, ये आँख का जो दूध है आँख में नहीं पड़ना चाहिए। अभी मान लीजिए हमने ये दो बूंद तीन बूंद ले लिया, चार बूंद तक लेकर, और उसमें जो तेल है जितना ज़रूरत है उतना इसको मिलाकर जो दूध है उसका ज़्यादा होना चाहिए, तो फायदा नहीं करेगा। जल्दी
अगर ठीक करना है तो दूध जितना हो सके आपके सहने लायक उतना ले लीजिए। बस अभी ये तैयार है, जहाँ ये दाद खाज खुजली इधर भी हुआ है उसको इधर लगाइए, आप देखेंगे कुछ दिन में आराम मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का घंटा दबा दें।